आज के टाइम में हमारे दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दांत दर्द अब कॉमन हो गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से दांतों की प्रॉब्लम शुरू होती है, कैविटीज शुरू हो जाती है, पर ऐसा अक्सर नहीं होता है। दांतों में दर्द और भी कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि दांत में कैविटी यानी कि कीड़ा लग जाता है, सड़न हो जाती है, दांतों की अच्छे से अगर आप सफाई नहीं रखते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिस वजह से दांतों की जड़ों में काफी दिक्कतें होती हैं और वो कमजोर होने लगती हैं, और कभी कभी तो आपकी अकल दाढ़ भी आपको काफी दर्द दे जाती है। लेकिन इन सब परेशानियों से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपके ही घर में, आपकी किचन में है इसकी होम रेमेडी। बहुत से लोग इस दर्द को खत्म करने के लिए दवाइयां खाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी रेमेडी जिससे आपके दांत का दर्द घर पे ही खत्म हो जाएगा। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं NBT लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। दांत का दर्द सुनते ही काफी घबराहट होने लगती है। अगर दांत का दर्द आपको घर बैठे बैठे शुरू हो जाता है तो कुछ ज्यादा मत कीजिए, अपनी किचन में जाइए और ये मेरे हाथ में है हल्दी, इसका इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सूजन दर्द को कम करने में आपकी हेल्प करती हैं और सेहत के लिए काफी हेल्दी भी होती है। तो अगर आप इसे सरसों के तेल में मिलाकर इसका एक छोटा सा पेस्ट बना लेंगे और इसे अपने दांतों पर अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। इससे आपकी जो मसूड़े हैं यानी कि जो आपके गम्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और दांतों की सड़न भी नहीं होगी, और उसी वक्त आपका दांत का दर्द रुक जाएगा। थोड़ी देर आपको इसको लगा कर रखना होगा जिससे ये अपना काम कर सके और आपको आराम मिल सके। और वहीं एक छोटी सी चीज़, लहसुन आपके घर में, आपके किचन में मिल ही जाता है, इसका स्वाद आपके खाने को और बढ़ा देता है। तो अगर आपके दांत में अचानक से दर्द हो जाता है जिससे आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप हल्दी और सरसों का तेल नहीं टेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको टेस्ट करना होगा, यानी कि इसको ऐसे ही खाना होगा जिससे आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा। इसमें एलिसिन नामक एक एलिमेंट होता है, वहीं इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके दांतों के दर्द को कम करने में हेल्प करता है। लहसुन को अगर आप कच्चा खाते हैं तो आपके दांतों में काफ़ी राहत महसूस होगी, आपको सूजन भी कम हो जाएगी अगर आपके गम्स फूल गए हैं। तो ये दो तरीके आप अपने घर पर अपनाएंगे तो इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये दोनों तरीके अगर आप अपने घर पर अपनाते हैं, अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं, दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो इससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलने वाला है। तो आपके किचन में ही है आपके दांतों के दर्द का इलाज। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल NBT लाइफ को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।